बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। इसके लिए हमने चिकन लिया है 1 किलो। इसमें 2 खाने के चम्मच सिरका डालेंगे। और 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच ओरिगानो, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 1 चमचा नमक। इसको डाल के अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन डालेंगे 2 खाने के चम्मच। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मैरिनेट करके रख देंगे। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 3 खाने के चम्मच लिया है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1 चमचा कॉर्नफ्लोर, 1 चाय का चम्मच नमक और पेपरिका पाउडर या लाल मिर्च पाउडर ले लें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्ची ले लें। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो हम लेके इसके अंदर एक एक पीस इसका उठा के इसमें खुश्क जो मैदे का बनाया है हमने इसके अंदर डालेंगे। आमेज़े के अंदर अच्छी तरह इसको लगाएंगे इस पर। अच्छी तरह इसको लगा के फिर सादे पानी में डाल देंगे। सादे पानी से हल्का सा निकाल के और फिर दोबारा इसको कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। इससे ये अच्छी क्रिस्पी बनती है इसकी कोटिंग। सादा पानी है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का। इसी तरह हम सारी बूटियों को इसी तरह कोटिंग करेंगे। पहले उसमें लगाएंगे खुश्क पाउडर में, उसके बाद पानी में डालेंगे और पानी से डाल के फिर दोबारा इस आमेज़े में डाल के, मैदे वाले आमेज़े में डाल के और सब बोटियों को इसी तरह मैरिनेट करके रख लेंगे। ये हमारी बोटियाँ तैयार हो गई हैं चिकन पॉपकॉर्न के लिए। तेल फ्राई करने के लिए गरम कर लिया है, इसमें ये सारे पॉपकॉर्न डाल देंगे। पहले स्टेबल होने देंगे ज़रा, बस इसकी स्टेबल हो जाएगी तो फिर इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। अगर फौरन चलाएंगे तो ये कोटिंग सारी उतर जाएगी। अब थोड़े से कोटिंग इसकी स्टेबल हो गई है, अब हम इसको चम्मच चलाएंगे और उल्ट साइड चेंज कर देंगे इनकी। बच्चे तो इस तरह की चीज़ें शौक से खाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बना लेते हैं। फटाफट बन भी जाती हैं। मैरिनेट करके एक दफ़ा रख दें, उसके बाद आप नई कोटिंग करके हर दफ़ा लगा लें, या तो फिर सारी कोटिंग करके फ्रीज्ड कर दें और फिर फ्राई कर लें वक्त के वक्त। ये माशाल्लाह से हमारा खाना तैयार हो चुका है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। हर चीज़ माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुश शक्ल लग रही है। अल्लाह ताला बरकत दें हम लोगों के खानों में, हम सब के खानों में, रोज़ी रिस्क में, और हलाल पाकिज़ा रोज़ी रिस्क में राज़ी रखें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी रेसिपी। फिर किसी और रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।